हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं Redmi K30 के बारे में, जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। 4G वेरिएंट, 5G वेरिएंट दोनों ही वेरिएंट लॉन्च हुए हैं चाइना के अंदर Redmi K30 के, जो कि एक है अपग्रेड Redmi K20 का। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी रह गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी खामियां, जो कि Redmi K20 में नहीं थी। और Redmi K20 मेरे हिसाब से कुछ मामलों में बेहतर था, कुछ मामलों में बुरा भी था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Redmi K30 और Redmi K20 में कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है और आपको कौन सा लेना चाहिए। 5G वेरिएंट की तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में 5G वेरिएंट आने ही वाला नहीं है। सीधी सी बात है, जब यहाँ स्पेक्ट्रम ही रोल आउट नहीं हुए हैं तो इंडिया में 5G कैसे आएगा। चलो ये तो बात की बात है, हम बात करते हैं Redmi K30 के बारे में, जो कि इंडिया में आएगा 4G वेरिएंट। बात करेंगे इसके डिस्प्ले साइज की, तो इसमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, इसका वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि 120 हर्ट्ज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप एक अंदाजा लगा लो कि इस प्राइस रेंज में 20 से 25 हज़ार के रेंज में कोई भी स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं देता। अगर देता है तो वो है एसुस का रॉक 2, जो कि है 38,000 का। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि 60 हर्ट्ज डिस्प्ले जो अभी हम यूज करते हैं और एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर बात करें 4G वेरिएंट के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर दिया गया है। Redmi K20 में 730 प्रोसेसर था, इसमें थोड़ा सा अपग्रेड करके 730G प्रोसेसर दे दिया गया, जो कि करीब करीब 5 से 10% बेटर है Redmi K20 के प्रोसेसर से। मतलब स्नैपड्रैगन के 730 प्रोसेसर से स्नैपड्रैगन 730G थोड़ा सा बेटर है 5-10% के मामले में। और इन सब के चलते 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट के चलते हुए और थोड़ा प्रोसेसर बेटर हो गया, इन सब के चलते आपको पबजी परफॉर्मेंस तो कमाल की देखने को मिलने वाली है। दोस्तों कैमरा के मामले में Redmi K20 एक एक्सपेक्ट में ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें आपको टेलीफोटो मतलब जूम मिलता था, आप जूम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जूम का आपको नहीं फीचर मिलता, जो कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है कैमरा को लेकर। हालांकि 64 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर वही टेलीफोटो दे दिया होता ताकि जूम करके, उसमें पोर्ट्रेट मोड भी आपको पता है बेहतर आता है, तो टेलीफोटो अगर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चाहे आप अल्ट्रा वाइड हटा दो या फिर मैक्रो हटा दिया होता। चलो ये तो बात हो गई कैमरा की। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 20+2 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा मिलता है। आपको Redmi K20 में भी 20 मेगापिक्सल कैमरा मिलता था। दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा मुझे Redmi K20 का ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि उसमें आपको पॉपअप सेल्फी मिलता है, जो कि ड्रिंग ड्रिंग करके आवाज आती है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको दो पंच होल देके ना थोड़ा सा डिस्प्ले को ख़राब कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। आपको मैं सेक्शन बताओ कि क्या आपको अच्छा लगता है पंच होल वाला। मुझे पंच होल नहीं पसंद है, मुझे पॉपअप पसंद है। दोस्तों Redmi K20 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई तो फिंगरप्रिंट सेंसर आप सोचेंगे कहाँ देगा, ये पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया। मतलब पावर बटन जब भी आप प्रेस करोगे ना तो आपका फिंगरप्रिंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हो तो उसी से एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखने वाली बात होगी कि ये स्पेसिफिकली हार्डवेयर सिस्टम बाहर दे दिया है, तो देखना होगा कैसा होता है इसका परफॉर्मेंस। आई होप कि अच्छा है, क्योंकि सैमसंग इसके पहले दे चुका है कुछ फोन्स में, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है। दोस्तों उसके बाद NFC आयर ब्लास्टर मिल जाता है इसमें। आयर ब्लास्टर Redmi K20 में नहीं था, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें आयर ब्लास्टर मिल जाता है, आप इसमें एक साथ दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जिससे कि आपको एडवांटेज होगा, आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। Redmi K20 में आप एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड यूज़ कर सकते थे, तो इसमें एक चीज़ अच्छी दी गई है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी बैटरी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव की गई। बैटरी आपको मिलता है 4500 mAh का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअली में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले थी Redmi K20 में, लेकिन यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती। तो 500 mAh का डिफरेंस रखा गया, जो कि बेमायने है, कोई मतलब नहीं रखता डिस्प्ले के मामले में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये फ़ोन अच्छा है, मैं एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि Redmi K20 कितना अच्छा स्मार्टफोन था। हालांकि Redmi K20 की थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा थी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस की अगर बात करूँ तो Redmi K20 ना 25,000-23,000 ऐसा कुछ लॉन्च हुआ था, मतलब 20 से 25,000 के बीच में था। लेकिन ये जो आने वाला है फोन ना, चाइना के अंदर देखें तो उसका बेस वेरिएंट सिर्फ 16,000 में लॉन्च हुआ है। अगर मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो डिस्प्ले पे आप देख सकते हो सारे वेरिएंट की प्राइस आपको दिख ही रही है चाइना में जो है। लेकिन इंडिया में आएगी तो हो सकता है 1-2 हज़ार बढ़ जाए रेट, तो आप देख लो 1-2 हज़ार भी बढ़ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्राइस है 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ 730G प्रोसेसर के साथ। दोस्तों Realme के X2 Pro लॉन्च होने वाला है इसी दिसंबर में जल्दी, तो देखने वाली बात होगी कौन लोग उसे परचेस करना चाहते हैं। वैसे मैं कहूँगा आप एक बार वेट कर लो, देख लो ये फ़ोन कब तक आता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है मुझे अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है एक 120 हर्ट्ज़ में और एक 60 और 90 हर्ट्ज़ में। और दोस्तों इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, 27 वाट की फास्ट चार्जिंग, मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन को 0 to 100% सिर्फ 1 घंटा 8 मिनट मतलब 68 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। अब देखना आउट ऑफ बॉक्स मिलता है कि नहीं 27 वाट का चार्जर, नहीं मिलता तो आपको बाहर से परचेस करना होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार Redmi समझे और अपने ही बॉक्स में दे दे 27 वाट का चार्जर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट सेक्शन बताइए आपको इस वीडियो में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद आया ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली और एक्साइटिंग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।